दोस्तों नमस्कार, मैं मार्केश, आप देख रहे फ्रूट गुरुजी। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा है हमको गौरव ने। गौरव पूछते हैं कि वो एक सेल्फ लर्नर है तो उनको क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ना कोई गुरु के पास जा रहे सीखने, वो खुद ही यूट्यूब से सीखना चाह रहे हैं। तो एक सेल्फ लर्नर के लिए वो पूछ रहे क्या स्टेप्स होनी चाहिए ताकि वो फॉलो कर सके और फ्लूट को बहुत अच्छे से बजा सके। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 स्टेप्स जो एक सेल्फ लर्नर के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है गौरव, आपको साउंड प्रोडक्शन सही से आना चाहिए और टोन जो है आपका वो बहुत ही प्रॉपर बजना चाहिए। तो सबसे पहले आप साउंड प्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए, और टोन प्रॉपर आना मतलब आप बिना हिसिंग के एंड बिना अननेसेसरी वाइब्रेशंस के बजा रहे हैं, तो ये आपका पहला स्टेप होता है। सेकंड फिर स्टेप आता है, आप सरगम एंड अलंकार बजाइए। सारे गम पद नि सा आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद में अलंकारों की प्रैक्टिस करनी है, जो होते हैं हमारे सरगम के जो नोट्स है, सारे गम प इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बजा सकते हैं अलंकार के। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है, फिर आपको ये जो अलंकार है और सरगम है इसको तानपुरे के साथ सिंग करके बजाना चाहिए, यानी आप सुर में बजाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर तानपुरा के साथ प्रैक्टिस करनी है। और फिर बात आती है चौथी, कि अब आपको आपके माइंड एंड फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन करना है। तो माइंड एंड फिंगर कोऑर्डिनेशन के लिए आप क्या करिए, मेट्रोनोम लगाइए और बीट पर अलंकारों को बजाइए, और साथ में बैकग्राउंड में तानपुरा भी चलने दीजिए। राइट, तो आपको तानपुरा के साथ सिंग करना है और जो बीट्स है उसके साथ आपके अलंकार बजाने हैं। और ये जो अलंकार है इनकी स्पीड आप धीरे धीरे बढ़ाइए, जैसे आप अलंकारों का जो स्पीड है आप मेट्रोनोम लगा सकते हैं 60 का, फिर आप 120 BPM पे लगाइए, फिर 180, फिर 240, और ऐसे स्पीड बढ़ाते जाइए आपके बजाने की, जिससे ये होगा कि आपका माइंड एंड फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। एंड बाद में एक फाइनल पॉइंट आता है कि ये जब आप सीख गए तो आप अब राग सीखिए, अलग अलग रागों को ट्राई करिए, क्लासिकल म्यूजिक में एंट्री लीजिए। और क्लासिकल म्यूजिक में एंट्री लेने के पहले आपको गमक, मींड, कर्णस्वर, खटका और फिंगर प्रैक्टिस जो है टैपिंग की, ये 5 चीज़ें आपको जमनी चाहिए। तो ये मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया है, आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और इस ऑर्डर में आप सीखिए। तो अगर आप सेल्फ लर्नर भी है तो भी आप बहुत ही अच्छे से फ्लूट को सीख पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।